कैसे पता करें कि दिए गए मान द्विघाती समीकरण के मूल हैं अथवा नहीं? कोई मान किसी वर्ग समीकरण का मूल है अथवा नहीं, यह जानना बहुत आसान होता है। जिन मानों को वर्ग समीकरण में रखने पर समीकरण के दोनों पक्ष बराबर हों, वे मान समीकरण के मूल होते हैं। आइए कुछ उदाहरणों से मूल जांचने के तरीके सीखते हैं। उदाहरण एक, जांचिए कि x बराबर एक तथा x बराबर ऋण एक वर्ग समीकरण x की घात दो ऋण x धन एक बराबर शून्य के मूल है अथवा नहीं। हल, दिए गए समीकरण x की घात दो ऋण x धन एक बराबर शून्य में बायां पक्ष x की घात दो ऋण x धन एक व दायां पक्ष शून्य है। बाएं पक्ष में x बराबर एक रखने पर अब दिए गए समीकरण वर्ग समीकरण का बायां पक्ष है x की घात दो ऋण x धन एक। यहाँ पे हम x के स्थान पर एक रखेंगे तो एक की घात दो ऋण x के स्थान पर एक धन एक बराबर ऋण एक धन एक को जोड़ने पर शून्य और यहाँ प्राप्त हुआ एक। स्पष्टतः बायां पक्ष बराबर नहीं है दायां पक्ष से, अतः x बराबर एक दिए गए वर्ग समीकरण का मूल नहीं है। इसी प्रकार x बराबर ऋण एक रखने पर समीकरण का बायां पक्ष है हमारे पास x की घात दो ऋण x धन एक। इसमें हम x के स्थान पर ऋण एक रखेंगे, ऋण एक का घात दो ऋण एक का घात दो ऋण ऋण एक धन एक बराबर ऋण एक की घात दो बराबर ऋण एक गुणित ऋण एक एक। ऋण कोष्ठक खोलने पर ये धन एक बराबर तीन। स्पष्टतः बायां पक्ष बराबर नहीं है दायां पक्ष से, अतः x बराबर ऋण एक
वर्ग समीकरण x की घात 2 ऋण x धन 1 बराबर 0 का मूल नहीं है। तो यहाँ पे x का मान 1 रखने पर एवं x का मान ऋण 1 रखने पर दोनों स्थिति में जो है दिए गए वर्ग समीकरण का यह मूल नहीं है, यह इस उदाहरण का हल होगा।